बरेली SSP द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने एवं गौकसी के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना भोजीपुरा पुलिस ने 6 अभियुक्तों दानिश, गुड्डू, साहिद, जहूर, नन्हे, अनवार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर अभियुक्त गणों ने बताया कि हमारा मुखिया शाहिद है, जो कि ठिरिया निजावत खां थाना कैंट जिला बरेली का मूल निवासी है, जो वहां से छिपकर कस्बा धौलाटांडा थाना भोजीपुरा में रहकर अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरेली में मोटरसाइकिल पर पत्नी के साथ दवा लेकर घर लौट रहे ग्रामीण की उसकी पत्नी के रास्ते में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव सकरस निवासी इरशाद हुसैन और उसकी पत्नी नूर बानो की बीती शाम भोजीपुरा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने बताया कि इरशाद हुसैन कपड़े सिलाई का काम करता था और कल दिन में अपनी पत्नी नूर बानो के साथ दवा लेने के लिए मोटरसाइकिल से बरेली शहर गया था, जहां से शाम के वक्त घर वापस लौटते समय भोजीपुरा थाने से ही कुछ ही दूरी पर बैक हो रहे एक ट्रक चेचिस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया, जहां दोनों की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। पुलिस ने टक्कर मारने वाले चेचिस ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में दूध की डेयरी पर काम करने वाले युवक का वेतन को लेकर डेयरी मालिक से विवाद हो गया। डेयरी मालिक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना बिसारतगंज के गांव अखा निवासी 24 वर्षीय दीपक पुत्र ओमकार की बीती रात इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। उसे 23 मार्च को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के घर वालों ने बताया कि दीपक भमूरा थाने के गाँव क्योना सारीपुर स्थित अनीश की दूध की डेयरी पर काम करता था, लेकिन अनीश ने उसका 3 महीने से वेतन नहीं दिया था, जिसको लेकर 23 मार्च को उसका अनीश से विवाद हो गया। गुस्साए हुए अनीश से उसके साथ लाठी से मारपीट की, जिससे दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे घर वाले उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां बीती रात दीपक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी अनीश फरार बताया जाता है। बरेली में मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों ने एक युवती और उसके माता पिता पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंवला थाना क्षेत्र के गांव पनबड़िया निवासी रूबी देवी, उसके पिता पूरन लाल और मां को इलाज के लिए आज दोपहर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके घर वालों ने बताया कि पूरन लाल का पड़ोसी हरनाम और बनवारी 2 दिन पहले गांव के बाहर खड़ंजे पर पड़ी ईंटों के टुकड़ों को उठाकर ले जा रहे थे। जब पूरन लाल ने उनको रोका तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। गुस्साए हुए बनवारी ने अपने भाई हरनाम, पत्नी माया देवी व अन्य परिजनों के साथ मिलकर पूरन लाल के घर में घुसकर हमला कर दिया, जिससे रूबी, पूरन लाल, उसकी पत्नी घायल हो गए। घटना की शिकायत पुलिस से करने के बाद घायलों को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और आज दोपहर जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद घटना की शिकायत पुलिस से कर दी।